रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ का आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि ये तीन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जितनी उसकी कैपेसिटी हो इससे कम अमाउंट जो है सॉल्यूट वो डिजोल्व हो, उसको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड। अगर और जो सेचुरेटेड जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे जिसकी इसकी सॉल्यूशन की कैपेसिटी होती है वो जो है वो डिजोल्व होती है। और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिजोल्व करते हैं और उसको हीट करते हैं। ये क्रिस्टलाइजेशन हम आगे पढ़ेंगे, इसमें ये ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। अब देखें अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट विच कंटेन द लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इट हैज द कैपेसिटी टू डिजोल्व। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी वाटर है, फॉर एग्जाम्पल ये कितना वाटर है 100 ml है, 100 ml ऑफ इसमें अंदर वाटर है और इसमें फ्यू जो क्रिस्टल ऑफ शुगर हम डिजोल्व करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी हमने इसमें शुगर डाल दी तो ये आपको पता है कि आसानी से ये हल हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें अभी और भी गुंजाइश है डिजोल्व करने की, और भी डिजोल्व हो सकता है इसमें। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट विच कंटेन द लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो शुगर जो है वो सॉल्यूट है और जो वाटर जो है वो क्या है सॉल्वेंट है, तो इसमें अभी भी डिजोल्व होने की गुंजाइश है लेकिन जो सॉल्यूट है वो क्या है लेस अमाउंट में, तो इसलिए ये अनसेचुरेटेड है, ठीक है। इसके बाद जो है वो है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ये 100 ml ऑफ वाटर है, वही सेम ले लेते हम 100 ml ऑफ वाटर, और जो सॉल्यूट है वो कौन सा होगा शुगर है, जो चीज लेस अमाउंट में हो कम मिकदार में उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं और जो ज्यादा मिकदार में उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाटर है 100 ml है, अब इसमें आप थोड़ी सी शुगर ऐड करें, इसको डिजोल्व करें, इसके बाद थोड़ी सी और ऐड करें और तब तक आप ऐड करते रहें जब तक ये डिजोल्व हो रही है। जब ये शुगर जो है क्रिस्टल फॉर्म में नीचे आ जाए और डिजोल्व होने की कैपेसिटी खत्म हो जाए, बच जाए, तो ये जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितनी इसकी कैपेसिटी थी, जितनी डिजोल्व होने की ताकत थी, वो अब खत्म हो गई है सॉल्वेंट की। अब जो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमने सैचुरेटेड ये 100 ml ऑफ वाटर है, ठीक है, उसमें आप शुगर ऐड करें, डिजोल्व करें, डिजोल्व करें और ऐड करते जाएं और ये बच जाए शुगर, तो इसको आप क्या करेंगे हीट करेंगे, हीट करके ये जो शुगर है वो उसको भी आप डिजोल्व कर दें, तो ये जो है सुपर सैचुरेटेड है। सुपर का मतलब है कि हमने इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है वो डिजोल्व किया है, तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी था, और इसके जो आगे टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।